हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आपको हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का मॉडल पेपर। देखिएगा, ये आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का है। देखिए, जैसा कि आपका दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का पेपर दिया गया है, तो बहुत ही आपको सबको पता है, ठीक है ना। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कुछ निर्देशांक दिए गए, इनको आप पढ़ लीजिएगा और सीधे सीधे सेक्शन ए पर आ जाते हैं। देखिए, पहले आपको हिंदी मीडियम हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद इंग्लिश मीडियम का भी आपको शो करेंगे, ठीक है, दिखाएंगे। देखिए, यहाँ से आप सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जैसे कि व्यंजक के गुणनखंड क्या है, ठीक है ना। व्यंजक के गुणनखंड क्या है, जैसे आपको 9x² - 7y² बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें फार्मूला है आपको, जो हमने बताया हुआ था a² - b² का फार्मूला हमने जो बताया हुआ है ना आपको, बस यही आपको इसमें यूज कर देना। हमने आपको हमेशा क्या है कि हमेशा a - b और a + b, ये आपको फार्मूला रटा होना चाहिए। ये बात आपको पता है कि नहीं पता, बस इसी की यदि यूज कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर प्रश्न 2 दिया गया है, 1/√7 - 2 का हर का परिमेयीकरण। देखिए, रेशनलाइज करना आपको हमने कितनी बार सिखाया हो, काफ़ी सारे हमारे चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं रेशनलाइज के, तो आप इसमें से सीख सकते हैं और पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपने हमारी क्लासेस को ज्वाइन किया होगा तो आपको सारा पेपर बहुत ही आसान लगा होगा, और इसमें 70 में से आपको कम से कम तो 65 नंबर का आता ही होगा, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि आपका दिया गया है 16 3/4 का मान क्या होगा, देखिए 16 3/4 का मान क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए, 16 के आप फैक्टर निकालोगे तो 2 * 4 * 8 * 16 होता है, ठीक है ना। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 4, और इसकी पावर कितनी लगी है, 3/4, 4 से 4 काट दीजिए, 2 की पावर कितनी बचेगी यहाँ से, 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। तो जो कि जो आंसर सही हो, करेक्ट आंसर नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, हम सोल्यूशन नहीं करा रहे हैं, बस आपको थोड़ा रफली बता दे रहे हैं, ताकि आपको, देखिए जो लोग अभी चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते रहते हैं और शॉर्ट तरीके से करना भी आपको हम सिखाते रहते हैं, किस प्रकार आपको मैथ के एकदम आसान भाषा में आपको हम बता सकें, उतना आसान आपको हम कराते हैं, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए, प्रत्येक परिमेय संख्या है क्या है। देखिए आगे, देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, विच इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है वो बताना। देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय, देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ ही पेपर में दिया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, 5/9 को दशमलव का प्रसार बदलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। उसके बाद √7 और √3 के बीच के परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ये तो आपको हमने सिखा ही दिया है, ये आपका चैप्टर 1 में आपको बताया हुआ है ना। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, √3 √2 × √2 और √12 √32, इसका मतलब क्या होगा, इसका आपको बराबर सॉल्व करके बताना है क्या होगा। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जैसा कि देख रहे हैं आपका यहाँ √2 है, यहाँ पर भी √2 है, ठीक है ना। क्या मिला है, √2 और √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यदि आप देखें √32 किसका है, √32 को यदि आप हटाएंगे रूट से तो कितना है, देखिए √32 को हटाने चाहते 2 * 4 * 8 * 16 * 32, तो यहाँ से 1 2 पेयर इसके मिल जाएंगे, तो 4 √ में आ जाएगा आपका 2 32 को हम किस √32 को क्या लिख सकते हैं, 4 √ में 2, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, 4 √ में 2 लिख सकते हैं। तो अब इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आप आसान हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9, देखिए फिर से आपका हमने जो फार्मूला आपको पहले क्वेश्चन नंबर बताया हुआ था ना, a² - b² को, वही आपको इसमें भी यूज कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 4x³ + 0.3x³ + 0x⁵ + 7 है, इसमें आपको डिग्री बताना है, डिग्री की सबसे ज़्यादा किसकी बताइए, 4x⁴ की है, तो आपका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जैसे आपको किसी की भी पावर 0 लगी, जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर 0 लगी ना, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। किसी की भी पावर 0 लगी तो उसको क्या लिख देना, आपको 1 लिख देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पर भी प्लस लगा कर आप 1 लिख दीजिएगा, और इन्हें नीचे कितना आपका 6 की पावर 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, तो 1 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 2/1 को क्या लिख सकते हैं, हम सीधे सीधे 2 लिख सकते हैं, तो आंसर नंबर आपका सी सही हो जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, √3 एक संख्या है क्या है, आपको वो बता देना है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, a + a + a + 1/a = 2 दिया गया है, तो a² + 1/a² देखिए काफ़ी बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, एकदम आसान सोल्यूशन है इसका, क्या कर देना आपको, a + 1/a का क्या कर देना आपको, होल स्क्वायर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए इसका। यदि आप सोल्यूशन चाहते हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका हम सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्या करना आपको, 100 लाइक का टारगेट रखा हुआ है हमने, यदि आपको कंप्लीट कर देते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, यदि हो जाता है टारगेट कंप्लीट, तो आपको हम इसका सोल्यूशन भी दे देंगे, हाई संडे तक। चलिए देखते हैं आगे, प्रश्न नंबर 14 दिया गया, 0 बहुपद की घात है, 0 बहुपद की घात है, ये आपको बताना है, डिग्री ऑफ 0 पॉलीनोमियल। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 15 दिया गया, x अक्ष के समीकरण है, ये आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 दिया गया, 90 - x का पूरक है, ये आपको बताना है। सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा 1 by 1। चलिए, यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा, आई होप
पढ़कर हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, सीधे आपको पूरा पेपर पहले देते हैं, उसके बाद इसका सलूशन हम कराएंगे जहाँ पर हम टाइम टेकिंग करेंगे। समझ गया ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, रूट 10x और रूट में 15 बराबर आपको ये बता देना है। यहाँ से आपको देखिए 20 MCQ खत्म हो जाते हैं, आप यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आपका रिटन पोर्शन चालू हो। यहाँ अभी तक क्या कर रहे थे, MCQ कर रहे थे, अब आप यहाँ से आपको लिखना ही रह गया, ठीक है ना। देखिए पहले तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए, तभी ये फार्मूला यदि आता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये ऐसा क्वेश्चन आसान हो गया। उसके बाद देखिए फिर से एक क्वेश्चन मिल गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वही फार्मूला लगाइए। देखिए दो दो चार नंबर का आपको यहीं से एक फार्मूला से ही आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ही चार नंबर का आया हुआ है पेपर में, ध्यान लगाइएगा, ठीक है ना, इस फार्मूले को। उसके बाद सी नंबर पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन देखिए आपके सामने ही है, पहले आप पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए वीडियो रोक करके आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, समझ गए ना। चलिए नोट हो गया। देखिए यहाँ पर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर सी भी, यहाँ तो आपने बता ही दिया था ए प्लस बी, और यहाँ पर देखिए क्या है, रूट 5 + 2 और 3 + 2 आया हुआ। सरल कीजिए एक दूसरे का, आपको इसमें गुणा करा देना है सिंपली, इसमें कोई फार्मूला आपको नहीं लगा देना है। यहाँ पर देखिए एक्स और वाई का मान पता है, सीधे सीधे इसमें रख दीजिए और ए का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कर देना है, 3 हो जाएगा यहाँ पर और ये 1 हो जाएगा, 1 को इधर भेजेंगे आ जाएगा आपका आंसर भी। और इस तरह सभी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है आपको यहाँ पर। यहाँ तक आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन को, नहीं हम यदि पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो काफ़ी सारा आपको टाइम लगेगा और सोचेंगे सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा। चलिए नोट हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्या दिया, निम्नलिखित में किन्हीं तीन खंड को ही हल करना है आपको, यानी इसमें से देखिए चार क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें क्या करना, केवल आपको तीन ही क्वेश्चन करना है, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, समझ गए, सभी चार चार नंबर के हैं, 12 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, और जो क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो, एकदम कठिन लग रहा हो, तो क्या करना आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है एक बार केवल आपको, ठीक है ना, उसको हम और डिटेल में आपको बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ से आपका लॉन्ग कॉन्सेप्ट टाइप क्वेश्चन है, यहाँ से दोनों में से क्या करना, केवल एक करना है और किसमें 8 नंबर मिलेंगे, कितने नंबर मिलेंगे, 8 नंबर मिलने वाले हैं आपको। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका, एकदम डिटेल में करिएगा, जितना भी आप हो सके उतना इसको आप बढ़ा चढ़ा के लिखिए। देखिए मैथ में क्या होता है, यदि आप लिख दी बढ़ा चढ़ा कर लिख नहीं सकते, जितना सोल्यूशन उतना ही लिखना है, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। पर क्या करना, जैसे इसमें कोई फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला लगा दीजिए, कोई चीज़ इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा पता है उसको भी लिख दीजिए ब्लैक पेन से, तो आपका थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है क्वेश्चन और अच्छे तरीके से लगता है सर को, टीचर को, एग्जामिनर को, तो और वो अच्छे तरीके से नंबर आपको देता है, समझ गए ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन है, इसमें से क्या करना, आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है, और आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नोट हो गया, पूरा पेपर आपको हमने शो ऑफ कर दिया है, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो या तो इसका सलूशन चाहिए तो क्या करना, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और चैनल पर जुड़ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी भी पेपर का आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।